हेलो दोस्तों, यह वीडियो इनकम टैक्स सीरीज का चौथा वीडियो है, पार्ट फोर, वेबसाइट एक फायदे अनेक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की साइट में लॉगिन बनाने के बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। इस सीरीज में ऑलरेडी तीन वीडियो मैं बना चुका हूँ। पार्ट वन, इनकम टैक्स साइट में लॉगिन कैसे बनाएं। पार्ट टू, नया ईमेल अकाउंट कैसे बनाएं। और पार्ट थ्री, ऑनलाइन पैन कार्ड। ये सभी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देखकर फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in की साइट में एंटर होना होगा और उसके बाद में लॉग इन हियर पे क्लिक करना होगा। लॉग इन हियर पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने क्रीडेंशियल देने होंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वही कैप्चा कोड आपको एंटर कैप्चा में एंटर करना पड़ेगा। अगर आप कैप्चा कोड एंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पासवर्ड अपने मोबाइल में मंगाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो सब डिटेल एंटर करने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in साइट का होम पेज ओपन होगा। हो सकता है कोई एक पॉपअप आए, अगर पॉपअप आता है तो आप उसको क्लोज कर दें। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको अभी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, हो सकता है आगे ज़्यादा ऑप्शन भी दिखें। तो पहला ऑप्शन है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो इस लिंक को क्लिक करके आप इनकम टैक्स फाइल करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा है व्यू रिटर्न फॉर्म, तो आपने पहले जो भी रिटर्न फाइल किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे। तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा और उसके बाद में कंटिन्यू करके आप इनकम टैक्स फाइल करना शुरू कर सकते हैं। पर चूंकि इस वीडियो का पर्पस इनकम टैक्स फाइल करना बताना नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा है व्यू रिटर्न एंड फॉर्म, इस पे क्लिक करने के बाद में आपने पहले जो भी रिटर्न फाइल किया है उसको देख सकते हैं। अगला मेन मेनू है माई अकाउंट। तो माई अकाउंट में आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं एक बार आपको बताने के लिए सबका नाम पढ़ देता हूँ। व्यू फॉर्म्स 26AS टैक्स क्रेडिट, यह बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है क्योंकि यह एक प्रकार से कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये कि इसमें टैक्स रिलेटेड पूरे इंफॉर्मेशन रहेंगे कि आप के अकाउंट से कितना TDS कट हुआ है, कौन कौन से सोर्स से कट हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है, इसमें क्लिक करने के बाद में आपको आपके पूरे टैक्स जो भी कटे हुए हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको पता चल जाएगी, जो कि आपको टैक्स फाइल करने के समय जरूरत पड़ेगी। दूसरा व्यू ई फाइल्ड रिटर्न एंड फॉर्म, जो कि हमने डैशबोर्ड में भी देखा है, इसके थ्रू आप अपना पहले फाइल किया हुआ रिटर्न देख सकते हो। टैक्स क्रेडिट मिसमैच, अभी इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। डाउनलोड प्रीफिल्ड XML, इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब आप इनकम टैक्स फाइल करना शुरू करेंगे। ई वेरीफाई रिटर्न, एक बार फाइल करने के बाद में आपको रिटर्न को ई वेरीफाई करना होता है, तो उसके लिए इस लिंक पे क्लिक करना होगा। बाकी जनरेट EVC, कंप्लायंस पोर्टल, रिपोर्टिंग पोर्टल बीटा वर्जन, मैनेज ITD, REIN, MyCA, सर्विस रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, एड रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव, तो कई सारी लिंक यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, तो आप खुद से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अगला है ई फाइल, तो ई फाइल में भी सब मीनू या कहूँ डिफरेंट लिंक, तो इसमें अलग अलग लिंक है। इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड के थ्रू जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक किया था वही पेज ओपन हो जाएगा और आप इनकम टैक्स फाइल करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि या तो डैशबोर्ड या फिर ई फाइल, दोनों में इनकम टैक्स रिटर्न दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आप ऑनलाइन भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो आप शुरू करना चाहते हो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। दूसरा इनकम टैक्स फॉर्म, रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), अपलोड फॉर्म BB, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड एंड रेक्टिफिकेशन। अगला है ई प्रोसीडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि जब आप अपना इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in में लॉगिन बनाते हो तो आपको सबसे पहले तो ई प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करके देखना चाहिए कि ई प्रोसीडिंग्स में कुछ है कि नहीं। सेम ई प्रोसीडिंग्स में जो इन्फॉर्मेशन या आपके लिए जो एक्शन के लिए है वो वर्क लिस्ट में भी दिखेगा, तो उसको हम अभी आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है ई निवारण, ई निवारण में सबमिट ग्रीवेंस, ग्रीवेंस स्टेटस प्रायर टू 19th अगस्त 2016 एंड हेल्प डेस्क टिकट्स। तो यहाँ पे आपकी अगर जो भी शिकायत है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप इसको सबमिट ग्रीवेंस का यूज करके आप अपनी शिकायत को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकते हो। उसके बाद में कंप्लायंस, तो कंप्लायंस पोर्टल में भी आपको
कंप्लायंस पोर्टल, व्यूज एंड सबमिट कंप्लायंस, व्यू माय सबमिशन, नॉन पैन ट्रांजैक्शन, व्यू रिस्पांस टू नॉन पैन ट्रांजैक्शन, अकाउंट विद कैश ट्रांजैक्शन, एसएफटी प्रीलिमिनरी रिस्पांस, व्यू एसएफटी प्रीलिमिनरी रिस्पांस, कैश ट्रांजैक्शन 2016। तो इसमें भी जो दिए गए ऑप्शन है उस ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण है वर्क लिस्ट। क्यों महत्वपूर्ण है उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्क लिस्ट पे क्लिक करके आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। वर्क लिस्ट में मेनली दो ऑप्शन है, फॉर योर एक्शन एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, जिसको आप देख सकते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे मिलेगा। दूसरा है फॉर योर एक्शन। फॉर योर एक्शन में वो इन्फॉर्मेशन रहेंगे या वो जानकारी रहेगी जिसपे आपको एक्ट करना है, जो आप पर पेंडिंग है। इसको आगे देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आता है व्यू अपलोडेड फॉर्म डिटेल्स, क्लिक हियर। तो क्लिक हियर पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि नो रिकॉर्ड्स फॉर्म, मतलब इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मेरे लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दूसरा फॉर योर एक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। तो जब मैं फॉर योर एक्शन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, डिटेल्स ऑफ कंप्लायंस क्लिक हियर, ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्लिक हियर। तो हम दोनों को एक के बाद एक क्लिक करके देखते हैं और देखेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और क्या कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्स ऑफ कंप्लायंस में क्लिक करता हूँ। तो डिटेल्स ऑफ कंप्लायंस में मैं क्लिक करता हूँ तो जो पेज ओपन होता है इसमें आ रहा है कि सबमिट कंप्लायंस फॉर्म और कुछ डिटेल दिए हुए हैं। इसमें तीन ऑप्शन दिख रहा है, ई सहयोग, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समरी। ई सहयोग में नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, तो इसमें मेरे एक्शन के लिए ई सहयोग में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं दूसरा फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हो सकता है कि किसी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई कि एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए लिखा हुआ है कि रिटर्न नॉट रिसीव्ड। तो अगर आपने पहले, अभी की बात नहीं करूँ, अगर आपने पहले, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है तो हो सकता है कि वो कंप्लायंस के रूप में यहाँ पे आपको वो डिटेल अवेलेबल हो। तो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन है, रिस्पांस में सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पांस में आप अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है या जो भी डिटेल देना है आपके लिए, हो सकता है थोड़ा सा कुछ अलग हो, तो आप यहाँ पे वो सब डिटेल भर के सबमिट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि वर्क लिस्ट को देखते रहना। तीसरा है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समरी। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समरी में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, मतलब कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मेरे वर्क लिस्ट में है। अगला है ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्लिक हियर। तो अब मैं ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्लिक करता हूँ। तो ई प्रोसीडिंग्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे दो रो दिख रहे हैं, मतलब दो अलग अलग साल के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर इस टेबल को देखूँ तो पैन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, असेसमेंट ईयर, प्रोसीडिंग्स नेम्स, असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147, ऑप्ट फॉर ई प्रोसीडिंग यस चेंज का ऑप्शन है, प्रोसीडिंग स्टेटस, प्रोसीडिंग लिमिटेशन डेट एंड एक्शन। तो यहाँ पे इवन नोट में लिखा हुआ है कि प्लीज क्लिक ऑन द प्रोसीडिंग नेम हाइपरलिंक टू व्यू द प्रोसीडिंग डिटेल्स। इसका मतलब कि जो प्रोसीडिंग यहाँ पे जो असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो नोटिस आई हुई है वो उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो प्रोसीडिंग्स नेम्स पे क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन होता है। इस पेज में प्रोसीडिंग नेम्स में दिया हुआ है असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 और उसके बाद में यहाँ पे दो रोज हैं, मतलब दो बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। तो इसमें प्लीज क्लिक ऑन द रेफरेंस आईडी हाइपरलिंक टू व्यू द नोटिस डिटेल। तो रेफरेंस आईडी हाइपरलिंक यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास में कोई ऐसा नोटिस आया है तो हो सकता है कि कोई नोटिस ना हो, तो ये सभी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वर्क लिस्ट देखना है और वर्क लिस्ट में आपको एक्ट करने के लिए कुछ है कि नहीं। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए ये डिटेल लिया हुआ है, तो
हो सकता है कि आपके लिए ये सभी एप्लीकेबल ना हो, बट आपको बीच बीच में देखते रहना है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके लिए है कि नहीं। तो यहाँ पे रेफरेंस आईडी पे क्लिक करते हैं। तो रेफरेंस आईडी पे क्लिक करने के बाद में, अच्छा उसके पहले यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, रेफरेंस आईडी, नोटिस कब इशू हुआ है, देन डॉक्यूमेंट आईडी, रिस्पॉन्स में व्यू भी है। तो यहाँ पे अगर आपको आई हुई नोटिस को देखना है तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या तो फिर रिस्पॉन्स में सबमिट है अगर आपको रिस्पॉन्स देना है। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो सबमिट पे क्लिक करो। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है कि सबमिट बस दिख रहा है, सबमिट के आगे व्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी इसका जवाब नहीं दिया। जब आप इसका जवाब दे दोगे तो उसके बाद में यहाँ पे एक व्यू भी दिखेगा। तो सबमिट में क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, प्रोसीडिंग नेम्स, डॉक्यूमेंट रेफरेंस आईडी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नोटिस सेक्शन में आपको रिमार्क में आपको एंटर करना पड़ेगा कि आप क्या रिमार्क देना चाह रहे हैं, और उसके बाद में अटैचमेंट। तो अटैचमेंट, तो अगर आपने कोई लेटर लिखा हुआ है तो लेटर को अटैच कर सकते हैं, या तो फिर आपने, अगर आपको बोला गया था कि इनकम टैक्स फाइल नहीं हुआ है, आपने फाइल किया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट अटैच कर रहे हैं, तो उस एक्नॉलेजमेंट को अटैच करके यहाँ पे ऐड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद में अगर डू यू वॉन्ट टू वेरीफाई द सबमिशन यूजिंग ईवीसी डीएससी, तो यस है या नो है आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज करने के बाद में आपके पास में एक कंफर्मेशन आएगा। कंफर्मेशन में लिखा हुआ है योर ई असेसमेंट रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड द ट्रांजेक्शन आईडी, एक नया ट्रांजेक्शन आईडी भी जनरेट होगा, साथ में यहाँ पे व्यू भी इनेबल हो गया है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ये व्यू इनेबल हो गया है। तो जब आप इस व्यू पे क्लिक करोगे तो व्यू पे क्लिक करने के बाद में वो बेसिक डिटेल आएगी, और उस बेसिक डिटेल के साथ में ये भी आएगा कि आपने कब रिस्पॉन्स किया है, रिस्पॉन्स डेट और रिस्पॉन्स। तो अगर आप रिस्पॉन्स में व्यू डिटेल्स, तो इस व्यू डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में जो पेज ओपन होगा उसमें पूरे डिटेल अवेलेबल हो जाएंगे कि जो रिमार्क में आपने, जो सबमिट करते समय आपने जो रिमार्क में क्या लिखा हुआ था वो अवेलेबल है, और उसके बाद में आपने जो अटैचमेंट ऐड किया था वो अटैचमेंट भी अवेलेबल है। उस अटैचमेंट पे क्लिक करके आप उसे व्यू भी कर सकते हैं। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि दो मेनू ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है वर्क लिस्ट, जिसमें फॉर योर एक्शन, उसको आप ज़रूर क्लिक करें और देखें कि कहीं आपके लिए कुछ चीज पेंडिंग तो नहीं है। और दूसरा है व्यू फॉर्म 26AS, इसको आपको देखते रहना ज़रूरी है कि इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट अथॉरिटी को जमा किया हुआ है, आप अलग अलग साल में कितना जमा किए हुए हैं, इस साल में कितना जमा अभी तक किए हुए, वो सब की जानकारी आपको इस लिंक के द्वारा मिल सकती है। और उसके बाद में अंत में कि जब भी आप अपना काम कंप्लीट करते हो उसके बाद में आपको लॉग आउट करना है, आपको सिस्टम से लॉग आउट होना है ताकि कोई दूसरा आपके इंफॉर्मेशन को देख ना सके। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पैन रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगर यह लॉग इन रह जाता है तो जो भी सिस्टम को यूज करेगा उसको आसानी से पता चल जाएगा। यस, तो आपको यहाँ पे लॉग आउट करना है, और लॉग आउट करने के बाद में आपके पास में ऐसा मैसेज आएगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, नाउ यू आर गुड टू गो। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया है, हो सकता है किसी के लिए एप्लीकेबल हो, किसी के लिए एप्लीकेबल ना हो, बट जिनके लिए भी एप्लीकेबल हो वो कोशिश करें कि जो भी आप रिस्पॉन्स इनकम टैक्स अथॉरिटी को देते हैं सोच समझ के और सही जानकारी के साथ में दें। इस वीडियो के लिए मैंने इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.insight का यूज़ जानकारी के पर्पस के लिए ही किया है। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।